नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में बिना अलार्म के अपने आप ही खुलती है? क्या आप भी रोज इस समय पर अपने आप जागते हैं? तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारे शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति के बारे में बहुत ही रहस्यमयी बातें बताई गई है, जो आप सभी को अवश्य जान लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह 3 से 5 के बीच अपने आप ही नींद खुलना कोई साधारण बात नहीं है। यह एक प्रकार से ईश्वर का संकेत माना गया है। अगर आप इसे मात्र केवल आपकी आदत समझते हैं तो आप गलत हैं। यह मात्र आपकी आदत नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुबह 3 से 5 बजे के बीच में आंख खुलने के कई फायदे हैं जो आपको मिल रहे हैं। जाने अनजाने में आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी आपको भनक भी नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी नींद आखिर 3 से 5 के बीच में क्यों खुल रही है। आपके अनुसार यह एक प्रकार से ईश्वर का संकेत ही होता है। आखिर ऐसा संकेत कुछ ही लोगों को क्यों मिलता है? ऐसा संकेत मिलने के पीछे क्या कारण है? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सुबह 3 से 5 के मध्य का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस काल के अंतराल को शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त अथवा अमृत वेला के नाम से जाना जाता है। इसे मुहूर्त इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह अत्यंत शुभ समय होता है। दिन के और रात्रि के सभी प्रहरों में से इस प्रहर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि इसी समय पर जागते थे और ध्यान तथा जप आदि कार्य करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्म मुहूर्त के समय को जागने के लिए सबसे उत्तम माना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय ही जागने के लिए श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, शास्त्रों में सूर्योदय से पहले जागने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षणों के बारे में बताया गया है। अगर आप भी सूर्योदय से पहले जागते हैं तो आप एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति है और आप सदैव निरोगी जीवन जीते हैं। आपका स्वभाव शांत है और आप एक ईमानदार व्यक्ति है। आप हर कार्य को पूरी लगन और ध्यान के साथ करने वाले व्यक्ति है। आप कपट और द्वेष से रहित है और ऐसा करने वाले लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। आप बहुत ही बुद्धिमान और सकारात्मक व्यक्ति है और इसी कारण से लोग आपका बड़ा ही सम्मान करते हैं। आप कभी किसी का दिल जानबूझकर दुखाने का प्रयास नहीं करते, दूसरों से कड़वी वाणी नहीं बोलते हैं और कमजोर व्यक्ति से घृणा नहीं करते। आप हर काम को नियमित रूप से करते हैं। मुश्किल परिस्थिति में आप अपनों का साथ नहीं छोड़ते। आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और आपकी पत्नी चरित्रवान है। अगर आपके भी अंदर ये गुण है तो इसका कारण है आपकी ब्रह्म मुहूर्त पर नींद खुलना। माना जाता है कि सूर्योदय से पहले जागकर जो लोग अपने कार्य को शुरुआत करते हैं उस काम में सफलता मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। जो महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी का सदैव निवास होता है। ऐसे घर में कभी दुख नहीं आता और सुख शांति बनी रहती है। सूर्योदय से पहले जागने वाले व्यक्ति अपने आप ही भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। किसी दिन से आपकी नींद अचानक ही सुबह 3 से 5 के बीच में खुलने लग जाए तो आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां आपको संकेत दे रही हैं कि अब आपका बुरा समय समाप्त होकर अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। आपके दुख और दरिद्रता का नाश होने वाला है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की नींद रोज सुबह मधुर ध्वनि के साथ, जैसे मंदिर की घंटियों की आवाज, शंख की ध्वनि, प्रकृति की सुंदर ध्वनि आदि प्रकार के मधुर संगीत के साथ नींद खुलती है, तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी हुई है, जिसके द्वार पर सुबह के समय गौमाता पधारती है, जिसे सुबह सुबह गोबर के दर्शन होते हैं, वह मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली होता है। ईश्वर ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले मनुष्य को अपनी भक्ति स्वरूप वरदान अवश्य देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर के करीब जाने का समय होता है। मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इस समय पर ईश्वर का चिंतन करने से बड़े बड़े पापों का नाश होता है और मनुष्य ईश्वर को अपने पास महसूस करता है। तब उसके मन से समस्त विकार और पाप भी नष्ट हो जाते हैं और वह केवल अच्छे कर्म ही करने लगता है। पद्म पुराण के अनुसार एक मनुष्य को 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसे मनुष्य योनि मिलती है। अगर वह इस योनि में कोई भी पुण्य के कार्य नहीं करता है तो उसकी 84 लाख योनियों में जन्म लेने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य में
अचानक खुल जाती है तो ये कोई दिव्य शक्ति या फिर आपके इष्ट देव की शक्ति है जो आपको यह बताना चाहती हैं कि वे आपके साथ हैं। वो शक्ति ये चाहती है कि आप सुबह उठकर कुछ ही समय के लिए अपने इष्ट देव की आराधना करें, क्योंकि इस समय की गई आराधना सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है। इसके अलावा पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि अगर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य खुलती है तो यह आपको संकेत देती है कि आप एक बहुत ही प्रामाणिक और अच्छे इंसान हैं। आपके अंदर अच्छाई भरी हुई है। आप गलती से भी दूसरों के साथ बुरा नहीं कर सकते। ईश्वर आपके सच्चे हृदय से परिचित है, इसी कारण से वे आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगाने आते हैं। पद्म पुराण के अलावा सनातन धर्म के अनेकों शास्त्र भी यही कहते हैं कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य में सकारात्मक शक्तियां और अलौकिक शक्तियां अपने चरम पर होती है। ये उन्हीं लोगों को संकेत देती है जिन्हें वे खुश देखना चाहती हैं। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला मनुष्य जीवन की सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। लेकिन इसके उलट अगर आप चाहकर भी सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। आपके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है। आपका मन अनेक दुविधाओं से भरा हुआ है। आपके अंदर स्वार्थ है। आपके अंदर त्याग की भावना नहीं है। शास्त्र कहते हैं जिस घर की महिलाएं सुबह जल्दी नहीं उठती ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता आती है। ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है? तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब